वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना नाहन निर्मल करनी साध संगत का अंचल लाहो बिखम नदी जाए तरनी से संयोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे से संयोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे सूही महला चौथा जिनका अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त पाए जिन हर नाम ते आया तिन पवित परम पद पाए मेरे राम हर जन आरोग पाए गुरबचनी जिना जपया मेरा हर हर तिनके हमें रोग गए रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच सजी हुई
वडभागी सात संगत सतगुरु जी ने रहमत की है, ये सपाक कड़ी सत्संग की सानू प्राप्त हुई है। सुही राग दे विच चौथे पातशाह गुरु रामदास जी का पावन शब्द आपां सरवण किया है। ये शब्द अज सतगुरु जी ने सानू हुक्मनामा बख्शिश किया है, रहमत कर रहे हैं सतगुरु जी। सुही महला चौथा, जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गए। जिन्ना दे हिरदे दे विच वाहिगुरु वस जाता है, मार्ग कहिंदे रोगां तो सब रोग, सबना ही रोगां तो मुक्त हो जाते हैं। तीन किस्म दे रोग इंसान नूं चिंबड़े हुए हैं, इसनों तीन ताप भी कहा है। यह तिने ही जड़े हैं, ये माया दे प्रभाव करके हैं, तिना गुणा दे प्रभाव करके हैं। ये तिने रोग हैं आद, ब्याद ते उपाद। आद की है? जो पिछले जन्म विच असी माड़े कर्म किए हैं, उस समय समय उन्हां दा फल भुगतना पैंदा है। किसी ना किसी रूप दे विच कोई दुख कलेश, शरीरक रोग जां कोई अचनचेत अजिहा वापरदा है जिस दा आपां नूं चेता नहीं हुंदा, वो बीजे दे अनुसार वो भुगतना पैंदा है। दूसरा है ब्याद। ब्याद की है? शरीरक रोग है। शरीर नूं कोई ना कोई रोग लग जाता है, ये बाहरी प्रभाव करके लगता है। साडे ज्ञान ते कर्म इंद्रिय जिहड़े हन, जे वाहिगुरु की रज़ा के अनुसार ना चलन, तो फिर ये शरीर नूं ब्याधी जिहड़ी है ये चिंबड़ जाती है, शरीर ते कोई ना कोई रोग हो जाता है। तीसरा है उपाद। उपाद की है? अचनचेत घटना, जिसका पिछले जन्म नाल भी संबंध नहीं है, इस जन्म नाल भी नहीं संबंध है, लेकिन वाहिगुरु परमेश्वर ने इस कुदरत दे विच ए कोई ना कोई वर्तारा यह जिहा कर दिंदा है, जिवें भूचाल आ जाता है अचनचेत दी, किसी नूं कोई पता नहीं हुंदा। जिवें सुनामी आई सी, करोना आया सी, इस तों पहलां भी अजिहे अनेकां ही जिहड़ियां बीमारियां जिहड़ियां संसार विच आउंदियां रहियां, जिस दे नाल बहुत दुनिया मरी। ये उपाधी है। चंगे भले हुंदे हां, तुरे जांदिआं ठेडा लग जांदा है, पता नहीं आपां जाणबुझ के तां नहीं मराया, ये उपाधी है। एक्सीडेंट हो जांदा है, बंदे दी मौत भी हो जांदी है, कई बार शरीर जिहड़ा उह भी नकारा हो जांदा है। ये सब उपाधियां हैं, ये अचनचेत वर्तन वालियां घटनावां हैं। महाराज का बचन है, जो जो दीस है सो सो रोगी। सारे संसार जिन्हों मर्जी मिल लो तुसीं, उन्हों कोई ना कोई इन्हां तिन्नां चों रोग चिंबड़िया होया है। चिंता का रोग है, बड़ा वड्डा रोग है ये। इस तरह ही होर अनेकां ही रोग हैं। सो महाराज कहते हैं कि ये तिने ही किस्म के जोड़े रोग हैं, इन तिना तो मुक्ति हो जाती है। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ये तिने किस्म के जोड़े ताप हैं, दुख आद, ब्याद अते उपाद, इन्हों गुरु दूर करता है। दुख हंता दुखा का नाश करता है, सुखा की रास है वाहिगुरु जी। किवें करता है? महाराज ने तरीका भी दस्या, सिमर सिमर गुर सतगुरु अपना सगला रोग गवाया। गुरु नूं जप जप के गुरु दे प्यार वाले सारे किस्म दे रोगों तो मुक्त हो जाते हैं, आदियां ब्यादियां उपाधियां तो मुक्त हो जाते हैं।
इस तरह ही गुरु दे दसे हुए उपदेश दे अनुसार गुरु गुरु जपना की है। गुरु महाराज जो कहिंदे हन, जे महाराज कहिंदे हन नाम जपो सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, वाहिगुरु दे गुण गाउणे नाम जपना, ये सारियां बीमारियां दा इलाज है। तिने किस्म दे रोगां दा इलाज है। तुसी लग पाओ गाउण, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे। महाराज दा वचन है, सुखमनी साहिब पढ़दे हाँ, हर हर नाम हृदय सदगावे। एक नाम का जाप करते हैं आप, जिमें करते हैं एक गाउणा भी है, गाउणा हिरदे विच है, नाम नूं गाउणा है। जिमें शब्द गाउंदे हैं इस तरह नाम नूं, नाम का गायन करना है। इस तरह जाप है, वाहिगुरु गुरमंत्र का जाप, वाहिगुरु गुरमंत्र जो है इहदा जाप करन लई सानूं प्रेरणा कीती है। और जाप गुरु की मत दे अनुसार करना है, जिमें महाराज ने सानू पावन बाणी दे समझाया है। कोई अपनी मत नहीं वरतनी, दोवें गल्लां करनियां हन, नाम जपना है जां गाउणा है। इस तरह ही रब दे गुण गाउणे हन। इन्हां दोनों ही तरीकों दे नाल इन्हां तिन्नां रोगों तो, तिन्नां तापां तो मुक्ति हो जाती है, जे भरोसा होवे तां। जे विश्वास नहीं है तो फिर नहीं हुंदा। संसार दे बहुत सारे लोग अजे हैं, वार वार डॉक्टर बदलते रहते हैं क्योंकि विश्वास नहीं आता है, वार वार दवाइयां बदलते रहते हैं और ठीक होने की थान सगों होर रोगी हो जाते हैं। जिन्ना चिर इंसान के अंदर भरोसा नहीं आता है कि मेरा सतगुरु पूरा है, तो सतगुरु सारे रोगों का नाश करन दे समर्थ है, गुरु दे कोल दवाई है, और दवाई खाण दा ढंग भी महाराज दसदे हन सानू कि प्यारियो ये दवाई इस तरह खानी है, इन्ने वेले खानी है, तो नाल परहेज आ रखना है। लल्ला लावो औखद जाहो, जिसनू सतगुरु जी रहमत करके आह औषधि दे दिंदे हन, दुख दर्द ते मिटे खनाहो। देर नहीं लगती है खनाहो दा, बहुती देर नहीं लगती है। नाम औखद जे हृदय हितावे तां ही रोग सुपना नहीं आवे। जे किते ही नाम दी दवाई साडे हिरदे च वस जावे, हर वेले जाल नाम दे विच जुड़े रहीए, यह हिरदे च वसना है। मारे कहिंदे अजिहे रब दे प्यारिआं नूं सुपने विच वी कोई रोग नहीं इन्हां तिन्नां चों आउंदा है। हर औखद सब घट है भाई, गुरपुरे बिन विधि ना बनाई। गुरपुरै संजम कर दिया, नानक तो फिर दुख न थी है। ये दवाई किथे है? गुरु दे कोल है। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फांदा। केवल इन्हां तिन्नां रोगों तो मुक्त ही नहीं करता है, जमां दियां भी फाहियां कट दिंदा है, जन्म मरण तो भी बचा लैंदा है, जन्म मरण के चक्कर चों कढ दिंदा है। सो इस करके गुरु का सहारा लैना है, पूरे वैद दे कोलों दवाई लैनी है, जिहड़ा साडे रोग ते दारू नूं दोनों नूं बुझदा है। रोग दारू दोवें बुझे सो वैद सुजान, सियाणा वैद ओह हुंदा है जिहड़ा रोग भी बुझ लवे मरीज दा ते उहदी दवाई भी उस दे अनुसार दे सके। सो दवाई की है? दवाई है नाम। दिंदा कौन है? गुरु वैद दिंदा है। गुरु कोलों मंगनी पैंदी है, जे दवाई लैणी होवे डॉक्टर दे कोल जाणा पैंदा है। जे इस नूं गुरु दे दसे संजम दे अनुसार गुरपुरे संजम करदी आ, महाराज ने कहता कि भाई इन्हां गल्लां दा ख्याल रखें, नाम जपदे हां, एक तां भरोसा रखी इस दवाई ते, भरोसा रखी कि तेरी बीमारी जरूर दूर करेगी। दूसरा आ परहेज रखी, ना निंदिया किसी की करी, ना ही निंदिया किसी की सुनी, नहीं तो तेरी बीमारी ठीक नहीं होनी। जे परहेज ना रखिया तो यह बीमारी इदा ही चिंबड़ी रहेगी, जिन्ना मर्जी नाम जपी जाए। मन दे विच किसी दे नाल वैर विरोध ना रखी, ये भी संजम है। ये इस संजम का भी पालना करनी है, मन दे विचों
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਿ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਵੇਲੇ ਖਾਵੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵੇਲੇ ਦਵਾਈ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਦਵਾਈ ਖਾਈ, ਤਿੰਨ ਵੇਲੇ ਜੇ ਦਵਾਈ ਖਾਵੇਂਗਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ, ਨਾਲ ਪਾਪ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਤੈਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਤਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਸ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਪ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਤਿੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਤਿ ਜੋੜੀ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਕਤ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਤਿੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਆਰੋਗ ਪਏ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹਨ, ਸੇਵਕ ਹਨ, ਦਾਸ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਚਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਤਿਨਕੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਏ ਰਹਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋ ਅਤੇ ਆਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ, ਜਪੀ ਜਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਿਨਕੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਏ, ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਸਾਕਤ ਹਰਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਗਾ ਅੰਦਰ ਖੋ ਗਿਆ, ਦੇ
ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे जमकार सहें सिर गंगा है। जिमें 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 कंगा पैर च वजा हो तुरे जाते हैं होर चुभदा है होर दुखी हो। इस तरह होमे का कंगा जिन्हों के अंदर वजिया होया है ये होमे का कंगा फिर होर दुखी करता है। संसार विच विचरदियां होया जिहड़े जिमें जिमें होमे अंदर प्रगट हुंदी है तो यह आप नूं ही दुख हुंदा इसका। सो महाराज कहिंदे कि यह होमे का वड्डा रोग जिहड़ा है जिहड़े नाम जपते हैं गुरु के वचन अनुसार परहेज रखते हैं तीन वेले नाम जपते हैं वो इस होमे के रोग तो भी मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रैर गुण रोगी विच होमे कार कमाए। होमे के रोग बहुत वगे वगे जो देवते हैं वह भी रोगी रहे हैं। ब्रह्मा देखो जिन्हें सृष्टि रची सागे देश मानते हैं हिंदू लोग कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची है। विष्णु जिहड़ा पालना करता है सारे जीवों की कहिंदे सारे जिन्हें जीव हैं सारे की पालना रिजक उन्होंने विष्णु दिता है। महादेव ये मौत का देवता है। सो ये तिना की पूजा सागे देश के दे होंगी है संसार च होर थां ते जिते हिंदू लोग वसे हैं इसकी इन तिना की पूजा करते हैं पर यह भी तिना गुणा के रोगी रहे। कारण किसी विच होमे कार कमाए जिन्ना भी इन्होंने सिमरन किया सेवा किया वो होमे के अधीन किया। ब्रह्मा जान ही नहीं सकिया कि मेरे तो भी कोई वड्डा है। ब्रह्मा ने कहा कि मैं ही सारी रचना रचन वाला हाँ मेरे तो वड्डा किहड़ा हो सकता है। भुलेखा पै गया जदों इस पता लगा इस दसिया गया तू तो एक कमल की नाली चो पैदा होया है। गुरु नानक पातशाह का शब्द आया श्री राग दे विच कि ब्रह्मा हंकार विच आ गया कहिंदा है कमल दे विचों मैं सारी रचना नूं रचन वाला मैं कमल दे फुल दे विचों पैदा होया। कमल दे फुल नूं इसने आंदे लत मार दित्ती गुस्से विच आ के जिवें साडा सुभा है उस कमल दी नाली विच ही चले गया नाल ही ते उत्थे ही घूमदा रहा छत्ती युग कहिंदे उत्थे ही घूमदा रहा। ये कादे करके होया क्यों वापरिया क्यों ये पुराणिक कथा है ये नहीं वेखना सच है कि झूठ है। महाराज ने इशारे किए हैं कि देख लो ब्रह्मा वर्गे जिहड़े सन ये होमे दे करके ही जिहड़े वेख लो जन्म मरण के चक्कर च पै रहे। इस तरह विष्णु जी हैं शिव जी हैं ये तिना गुणा के रोगी हैं विच होमे कार कमाई होमे दे अधीन सारा कुछ ही इन्होंने किया है। सिमरन जिहड़ा किया उन्हें सगों इन्हों की होमे नूं होर वधा दिता है। जिन किए तसे ना चेतें बपड़े हर गुरमुख सोजी पाई जिस वाहेगुरु ने इन्हों पैदा किया विष्णु जी कहते मैं ही रब हाँ। विष्णु के अवतार कृष्ण जी होए हैं वह भी कहते हैं मैं ही रब हाँ। रामचंद्र जी होए वह भी कहते हैं मैं ही रब हाँ। जिन्हें चौबी अवतार जो तेई होए हैं ये चौबियाँ अजय दे होना है ये तेई अवतार जड़े हैं ये सारे ही यही कहते रहे हैं कि असी ही रब हाँ। सो इन्हों पता नहीं है कि तुसी किवें पैदा हो गए हो तुहानू किने पैदा किया है आपे तो नहीं प्रगट हो गए तुसी। सो इस करके इन्हों समझ ही नहीं आई इन्ने अगे वड्डे वड्डे देवतिया इहदा मतलब कि जिहड़ा इन्हां दी पूजा करता है वह क्यों नहीं त्रैगुण रोगी होगा। जैसा सेवे तैसो होए जे तिना गुणा दे रोगियों की कोई सेवा करे तो फिर उन्हों सिमरन करे तो वह भी तिना गुणा का रोगी ता ही ये सारे हिंदू लोग तिना गुणा के रोगी हैं। इन्हों देते ना तिना गुणा का प्रभाव तुम जाहर तौर पर वेख रहे हो। हर गुरमुख सोजी पाई पर जिहड़ा गुरु के सन्मुख हो गया उन्होंने महाराज ने सोजी बख्शिश कर दी। होमे रोग सब जगत व्यापिया तिन को जन्म मरण दुख भारी सारी जगत की हालत देवते की सारी दुनिया की हालत यह है कि सारा जगत ही होमे के रोग में ग्रसया होया है। इस करके जन्म मरण के होमे के कारण ही जमदा मरदा है। होमे च आया होमे च गया होमे जमया होमे च मुआ सा जमना मरना है ही हों के कारण है। ये मैं नहीं मिटदी फिर जन्म हो जाता है फिर उ मैं प्रगट हो जाती इदा जमदा मरदा रहना। गुरप्रसादी को विरला शुक है तो जन को होम बलिहारी
कोई विरले हैं जिहड़े गुरु की कृपा दे नाल इस होमे तो मुक्त हो जाते हैं। महाराज कहते मैं उन्हां तो बलिहार जांदा हाँ, वारे वारे जांदा हाँ। इहदा मतलब कि साडे जीवन का मनोरथ जिहड़ा है, जिन्ने धर्म के कर्म करते हैं आपां, ये करन दा मतलब यह है कि असी होमे तो मुक्त हो जाइए। तो जे इस पासे साडा ध्यान ही ना जाए, आम तौर पर साडा सुभा यह है सागे इधर नहीं ध्यान जाता, असं अपनी दूजिया बीमारियों वास्ते तो यतन करते हाँ कि ठीक हो जाए, जिहड़ियां आदियां व्याधियां उपाधियां उहदे वास्ते तो जाप करते हाँ, पर होमे के दीर्घ रोग तो मुक्त होने वास्ते कभी यह सोचते ही नहीं है। हुंदा की है, फर्ज कर लो जाप करन दे नाल एक बीमारी ठीक हो गई, असं रौला पा देंगे, देखो जी मैं जाप किया, नाम जपया, मेरी आह बीमारी तो मैं मुक्त हो गया, होमे होर आ गई ना। चाहिदा तो ऐसी घट दी, कोई काम हो गया नाम जपद्या जपद्या जड़ा अड़िया पिया सीगा, रौला पाता, आ वेख लो जी मैं नाम जपया तां मेरा ये काम होया। सो होमे होर वधी जांदी है जिन्ना आपां विखावा करते हाँ। इस करके बंदगी नूं भगती नूं महाराज ने गुप्त रखण लई सानू कहा है, जो कुछ तुसीं करदे होए लोकां नूं दिखाउण वाला नहीं है, ना ही लोकां नूं दसण वालियां गल्लां हन। किन्ना भजन करते हो, किस वेले करते हो, किसी नूं दसण दी लोड़ नहीं है। जिन्ना छुपा के रखांगे उन्ना ही आपां अगे वधांगे। जिवें जिवें असीं अपनी गल नूं ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਜੇ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਦਣ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹਉਮੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਾਰੂ ਪਾਰੋ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਰੋਗੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੋਗੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਿਹੜੇ ਸਿਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਚੂਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਭੋਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੁੱਕ ਮਾਰੋ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਦੋਂ ਐਂ ਜਾਪਿਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਖੇਡ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਹੈ ਉਹ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਹਰ ਵਿਕਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਉਦਾਈ ਦਾ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਜੰਜਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਸੋਟੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਘੋੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਖੇਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ।
ये भी वो न्याणियों वाला खेल असी करी जा रहे हैं, खेड़ खेल रहे हैं, पर पता नहीं है चंगियाइया बुरियाइया वाचे तर अगली गल नहीं आप समझते कि जो आप कर रहे हैं वेख रहा है वाहिगुरू। जे चंगा करें चंगा करांगे तो उहदा फल चंगा मिलेगा, तो जे माड़ा करांगे उहदा फल सानू माड़ा ही मिलेगा ना। जिहा बीजा सो लाने करमा संदड़ा खेत। सो वाहिगुरू वेख रहा है, वह खुश है, उन्हूं कोई उदासी नहीं है। वो जे कोई किराए पै है उन्होंने वेख के खुश हों कि वाह कमाल है, ये वेख लो की कर रहा है, साडे वांगू उदास नहीं हुंदा। ये खेड खेडे ला दिता हुण बच्चे एक दूजे नाल लड़ पैंदे हन, सियाणे बंदे बच्चों की लड़ाई विच नहीं आउंदे हन क्योंकि बच्चे तो उसे वे मित्र बन जाते हैं, मूर्ख जड़े हैं बच्चों करके झगड़ते हैं। सो ये वाहिगुरु परमेश्वर खुश है। गुरमुख ब्रह्म विचारो जिहड़े गुरु के सन्मुख रहिंदे हन, इस करके वो इत्थे अपने जीवन दे विच परमेश्वर की विचार कर रहे हैं। परमेश्वर की विचार की है, उसनू याद करना, जिहड़ी गल महाराज ने इस शब्द दे राहीं सानू समझाई है। जिवें साडी सुरती जे जुड़ी रहेगी उस वल तां सौखे रहांगे, तो जे जदों संसार वल सुरती आउंदी है उस वेले असी कोई ना कोई सानू ऐ दुख दिसण लग पैंदा। तुसीं देखो अपनी सुरत नूं तुसीं शब्द च ला के रखो, तुहानूं कोई भी रोग शरीर दा है तुहानूं महसूस नहीं होवेगा, लेकिन जे तुसीं सुरत नूं उहदे वलों तोड़ के शरीर वल लै आओगे जिथे तुहाडे कोई तकलीफ है वह तुहानूं सामने दिसण लग पेगी। हुण महाराज ने तो बड़ा सौखा तरीका दसता, तो जे हर वेले सुरती वाहिगुरू वल लगी रहे तो सानू दुख भुल जाएगा। दुख का भुलना ही रोग का जाना है। एक साइंटिफिक गल है कि दुख को भुलना जड़ा है ये रोग को गवाना है। जो याद करी जावांगे हाय हाय करी जावांगे फिर और वधी जाएगा। वह वो भुलण का तरीका यही है कि सुरती शब्द चला के रखो, अपना बहुता समा जरा जाप दे सिमरन दे लगाओ, शरीर वल ध्यान ही ना जाए, परिवार विच की हो रहा है वो ये तो चलता ही रहना है। जिन्ना चर आप हाँ साढ़े सामने जो कुछ हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहना है। जे तुसी अपनी सुरती उहदे वलों तोड़ के तो इस पासे ही ला लोगे तुसी भी दुखी हो जाओगे, तो जे तुसी सुरती उधर जोड़ के नाल अरदास सच्चे पातशाह इन्हां नूं समत बख्शो तो सारा कुछ ठीक भी हो जाएगा। सतगुरु जी कृपा कारण जो पावन उपदेश आप सरवण किया साढ़े हिरदे वसे अपना वडहंसकी वार दे विचों उपदेश सरवण कर रहे सी, आओ अखीरली पौड़ी की विचार जिहड़ी सी चल रही सी अज उसकी विचार आप सरवण करते हैं। वाहिगुरू पहले सलोक की विचार कर ली सी, इक्कवीं पौड़ी के नाल जो है कल समझाया सी महाराज ने, दुनिया सतगुरु नूं वेख रही है कहिंदे असीं दर्शन कर ले पर देखिया महाराज कहिंदे मुक्ति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं है। जिन्ना चर गुरु के बचना की विचार नहीं करोगे, गुरु की बाणी की विचार नहीं करोगे, दास ने देखा ये हुण थोड़ा जिहा फर्क पिया है कि जिन्ना नहीं समझ है वो अनपढ़ हन, उपद करते गुरु के दर्शन करने वास्ते। जे कोई ग्रंथी सिंह जां कोई सेवक बैठा होया महाराज भाई जी जरी महाराज के दर्शन करा दे, भाई साहब जी ने रमाला चुक देना उन्हें दर्शन कर ले, धन्यवाद जी भाई जी तो है उन्हें रुमाला रखता, ये अज्ञानता इनू कहिंदे। दास ने देखा उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी का दर्शनी दरबार है उत्ती मरदान दे विच, उत्थे पुरातन गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप है, किसी महात्मा ने लिखिया सी और वो उस गुरु ग्रंथ साहिब का लत्था है जो करतारपुर विच है, गुरु अर्जन देव जी ने जिहड़ा संपादन किया सी, उहदा हर संग्रांद नूं प्रकाश करते हैं। बस वो जिस वेले दास कथा करन लगता सी हुकमनामे दी, बस ऐं घेरे घेरे सारे चंगे बुरे सियाने सियाने रोज़ कहना उन्होंने, जिन्हें भी आना जिहड़ा भी कथा वाच कहिंदा सारे ने कहना वो भाई बैठ के दर्शन करो शब्द सुनो। बस घेरे घेरे दर्शन करन आ गए, घेरे घेरे ज्यों ही रुमाला चुकया वाहिगुरू वाहिगुरू, बस ये है अज्ञानता। मारे कहिंदे इदां वेखण नाल नहीं
शब्द की विचार के नाल दर्शन होंगे ना ही इदा करन दे नाल होमे की मैल दूर होंगी है ना ही अंदरों दुबता ही दूर होंगी है विकार भी दूर नहीं होंगे हैं सो दर्शन करने हैं तो गुरु के शब्द की गुरु के उपदेश की विचार सुनया करो करया करो। अज बख्शिश कर रहे हैं महला तीजा सतगुरु ना सेवियो मूर्खां दगवार जिन्हें सतगुरु नहीं सेव्या गुरु की सेवा नहीं की पता एक तो हुंदा पता ही नहीं है गुरु की सेवा करनी है उहदा कोई कसूर नहीं है जिन्हों पता है गुरु की सेवा का फल है वह ना करे फिर उन्होंने मूर्ख गवार क्या मूर्खा का भी मूर्ख। सो दूसरा अर्थ यह बनेगा सेवना की है गुरु के वचना कमाना उहदे विच सेवा सेवन संगत सारा कुछ आ गया ना सेवन का मतलब यह है कि जो महाराज कह रहे हैं वो काम करने। सो जिहड़े नहीं करते महामूर्ख हैं दूजे भाए बहुत दुख लागा जलता करे पुकार दूजे भाव च भाव हर वेले संसार च बिरती हाँ कि मरना पड़ना होया विआह करना होया फिर महाराज का आसरा लिया चलो जी खंड पाठ करा दें चो सहज पाठ चो सुखनी साहब का पाठ करा दें इनू दूजा पाप कहते हैं अपने मनोरथ पूरा करने वास्ते जो लोग कहे जी वेखो जी पाठ भी कराया एक पासे पाठ करा देना अगर उदों बाद दस मिनट कहते लगने हो जाए फिर शराब दी बोतल खोल के बह जाना फिर वो सारा दूजा जरा जो कुछ होंगे वो करना शुरू कर देना इनू दूजा पाप कहते। सो महाराज कहते कि देख लो ये मूर्खों वाला काम है बड़े दुखी हैं फिर जलता करे पुकार सड़ रहा है अंदर ही अंदर संसार सारे लोग दुखी हैं। जो तुम महाराज का आसरा लिया है महाराज ने विच पिचोला बना लिया है फिर तुम उस तो बाद जड़ा है जो तुम अपनी मर्जी के नाल करे गुरु की मत मानते नहीं हो वो तुम बहुत वड्डियां गलतियां कीतियां तो उन्होंने गलतियां का फल तुम भुगतना पैंदा है दस दिन नहीं बच्ची घर जाके रेंदी सहुरियां दे देख लो घर आ जाती है कारण की है काम ही सारा गुरु तो उल्ट कर दिता विच गुरु नू लै लिया नाले एक पासे गुरु का सहारा लै लिया दूजे बने सारा तुम काम सारा गलत कर दिता ता असी दुखी तो हाँ जिन कारण गुरु विसारिया से ना उप करे अंती वार उप करे मदद करने वास्ते फिर नहीं आते जिन्हों की खातर तुम गुरु नू भुल जाते हो ना दास ने देखा घर प्रकाश करा लिया प्रौने पुरों ने चंगे सद ले अपने सज्जन मित्र सद ले उन्होंने सामभ संभाल ची गुरु महाराज का कोई ख्याल नहीं है सारे घर च हो रहा गुरु वर्गा है कि प्रौने वर्गा जहाँ तो तुम प्रौने वास्ते वक्रा प्रोग्राम बना लो मित्रां दोस्तों वास्ते गुरु ना ना लियाओ उहदे विच गुरु ना लियाओ तो जे गुरु लिया है फिर गुरु वाले पास ध्यान रखो वाह आन गुरु के कोल मत्था टेकन बह के गल सुन गुरु की बस इतों तक सीमित रहो पर नहीं आप करते कुछ नहीं अजिहा तो करते ही नहीं हाँ यही कारण है सागे दुखों का फिर हुंदा की है जिन्ना खातर असी ये गुरु नूं भुल गए गुरु अजे उत्थे ही है घर ही है तो बाहर अपना नाच गाने वीडियो बननिया शुरू हो जांदियां हन फोटो खिंचनिया शुरू हो जांदियां हन दसो ये गुरु की बेवधि नहीं है तमाशा बना लिया है असी लोगों ने। सो महाराज कहिंदे वेख लो फिर की हुंदा की है जिन्ना खातर कीता उन्हें कोई नहीं बौड़ता है जिहड़े रिश्तेदार खुश किया जदों आ गई औखी घड़ी कोई नहीं नेड़े लगेगा सब भज जाएंगे दोस्त मित्र सब भज गए कोई नहीं आया भुगत हुण तू आप जिहा बीजे सुलणे बीज लिया ना घर लिया के गुरु की बेइज्जती की है एक तो है कि बाहर बेइज्जती करनी कोई मिल पवे तो एक किसी नूं घर लिया के उहदी बेइज्जती करनी किन्ना गुनाह है असी गुरु नूं घर लिया के बेइज्जती करते हैं महाराज की नहीं समझते इस गल एक मजाक बना लिया है इस गल का कोई नहीं मदद करता महाराज कहिंदे उस वेले नानक गुरमति सुख पाया बख्शे बख्शनहार। हाँ जिहड़े गुरु की मत अनुसार जिन्हां दे अंदर भय है गुरु का अदब है सत्कार है भय अदब सत्कार है वह है गुरु के अनुसार चलते हैं दुनिया भावें जो मर्जी कहती रहे वो सुखी रहिंदे आनंद विच रहिंदे पौड़ी तू आपे आप सब करता कोई दूजा होए सो करो कहिए वाहिगुरु जी तुसी सब कुछ आप ही तो हो दूजा तो कोई है ही नहीं है
जे दूजा होवे तो तां कहिए ना भी आह इदां क्यों हो रहा है। ये दोवें पासे तुसीं ये जिहड़े हन ये आप ही तो तुसां बणाया दोवां सिरां का आप स्वामी खेलै विकसे अंतर जामे दोवें पासे आप ही तो हो। एक पासे माया च फसाए हुए हैं उन्होंने भैड़े पासे लाया हो एक बने आए पासे लाए हैं। हर आपे बोलाए आप बुलावे हर आपे जल तल रव रहीए आप ही बोलता है आप ही सागे जीवां दर बुलाउंदा है सब नूं बुलाउंदा है जो वाहिगुरु साथ सब थाई जल विच थल सब थाई है। हर आपे मारे हर आपे छुड़ गए मन हर शरण ही पड़ रही है। हे मन वाहिगुरु की शरण विच प्यार रहो मारन वाला भी वह है मरन तो बचाउण वाला भी वह है उत्ते गल छड़ दे। हर बिन कोई मार जवाल ना सकै मन होए नचिंद निस्सल होए रही है निस्सल होए रही है निस्सल होए की कहना आप कहने निस्सल हो के पिया है लत्तां कट सिद्धियां करके बंदा निश्चिंत हो के पै जाता इन कहते निस्सल हो के पैना सब पासे ध्यान खत्म उहदा कोई ध्यान नहीं है। महाराज कहिंदे कि इंज तुसीं भी निस्सल हो के रहा करो एवें ना खा मखा सौण लग्या ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਫਿੱਕੀ ਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਵੇਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੌਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਉਸਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। तो जे तुम सोचण लग पे हाए अज दिन आ नहीं होया आ क्यों हो गया फिर नींद आँदी फिर मंदा हाल होएगा। वाहेगुरू सो वाहेगुरू परमेश्वर है वो हाथ च है मारना ज्वालना खेड वो हाथ में है इस करके निश्चिंत होकर रहो उठद बैठद सुत्या सदा सदा हर त्या नाम ते आई है जो नानक गुरमुख हर लही है। हे प्यारियो हर वेले उठद्या बैठद्या सुत्या भाव हर वेले ही वाहिगुरू का नाम ध्यादे रहा करो गुरु की शरण में पै के गुरु का आसरा लैके हर वेले ही नाम जपते रहा करो। सो ये पावन उपदेश सतगुरु जी ने अज सानू जो बख्शिश किया सतगुरु जी कृपा कर साडे हिरदे जी वसे अगे शुद्ध शब्द लिखा है शुद्ध शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने लिखा है। ये जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप जिहड़ा महाराज ने आप तैयार करवाया पंचम पातशाह ने वो करतारपुर विच है जलंधर तो अगर करतारपुर आता है उत्थे है उस दे इत्थे जिवें शब्द नाल ही लिख दिता है ना ये हाथ लिख जिन्हां लिखियां उन्होंने नाल करता है उस स्वरूप दे विच हाशिए विच है महाराज की कलम का लिखा है बरीक कलम का लिखा है शब्द शुद्ध तो शुद्ध कीचा है वो इस करके लिखे हुए हैं कि जो भाई गुरदास जी ये वारा गुरु ग्रंथ साहिब चढ़ा रहे सन उस वेले जो सलोक चढ़ाते सन वो बाद गुरु महाराज ने विखा देंदे सन कि कोई कच्ची बाणी का ये सलोक ना आ जाए क्योंकि बहुत कच्ची बाणी रची जा चुकी सी मेहरबान वालों पृथ्वी चंद मंगे वालों इस करके वो ना आ जाए बिच कोई शब्द जां कोई बेतरतीबा ना हो कि पौड़ी का भाव होर हो सलोकां दा होर हो इस करके महाराज ने जिहड़ी वार लिखते सन वो महाराज नूं दिखा देंदे सन। इस करके जिते शुद्ध कीचे लिखे वह मतलब है इन ठीक कर लो वो फिर जिते कि गलत से महाराज ने अंग बदला दिता कहता भी दोबारा लिख के ना वो ये चीज़ कट दे कट दे शुद्ध कीचे लिखा है। सतगुरु जी कृपा कर जो पावन उपदेश आप सरवण किया है साढ़े हिरदे च वैसे भुला चुकों की खिमा करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।